मुझे शांति दे, सभी भजन में हुआ कि इतनी शक्ति दे, बहुत सारी चीजें हम लोग भजन में स्तवन में मांगते तो उनके सचमुच मांगने से मिलती है। और जो बाकी के भी जैसे मांगने की चीजें, तो हम मांगने के और मांगने का ही सीखते हैं, और ये सब चीजें मांगने से मिलती है क्या? और फिर अगर मिलती भी है तो फिर जो मंदिर के बाहर बैठ के मांगते हैं और हम मांगते हैं, उसमें क्या करेंगे? बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर है। जब हम परमात्मा से मांगे या किसी व्यक्ति से मांगे और मंदिर के बाहर में बैठे हुए उस भिखारी में और हमारी इस मांग में कोई अंतर नहीं है, वस्तुतः वो मांगने का प्रश्न नहीं है। शब्द हमारे पास बहुत लिमिटेड है, बहुत शब्द है, हमारी वो प्रार्थना है और हमारे भीतर की जो दिव्यता है। जब हम बाहर में कोई परमात्मा बाहर में लेते, हमारे भीतर की जो दिव्यता है, जो सुषुप्त है, वो बंदी बंद हो चुकी, वो कुटित है, उसको जगाने का प्रयास है, उसको जगाने का प्रयास है। हम भीतर से सोए हुए हैं, उसको जगाने का प्रयास है। वो नहीं है कि अब देखो झोली मंगाई वो आया और उठा करके देखते जा रहा है, ऐसा नहीं। हमारी जो आस्था है वो कमजोर है और आस्था कमजोर होने के कारण हम उस आस्था को ही मजबूत कर देना चाहते हैं कि हमारे भीतर की आस्था मजबूत हो, जिससे कि हम इस संसार के रास्ते पर चलते ना रहें। वो भिखारी, वो जो रास्ते का जो भिखारी है, वो दूसरे को देख करके वो बुरा होता है। यहाँ दूसरे से मांगने का नहीं है, अपने ही भीतर की जो दिव्यता सुषुप्त है उसे जगाने के लिए वो प्रार्थना निवेदन है, स्तुति है। वो जागरण का संदेश है, प्रार्थना एक जागरण का संदेश है कि हम जब आज आप अपने जब कहते कि इतनी शक्ति, तो हमें ये पता है कि परमात्मा ने कहा कि मैं नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हारे भीतर की वो शक्ति वो तुम्हें जगा रही है, वो प्रसाद वही है। तो जब भी हम परमात्मा से शक्ति मांगते, इसका मतलब है हम अपने भीतर में शक्ति से संचालित होते हैं, संचालित होते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ध्यान हमको दीजिए। आप जो मांग करते हैं वो मांगने से देगा? नहीं नहीं, मांगने से कभी नहीं, किसी ने दिया होता तो सब भगवान बन जाते। नहीं, वो हमारे भीतर में जो आनंद है वो होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए हम कहते हैं तो परमात्मा ये कहते हैं। गौतम को तो उन्होंने कहा तुम किसके दरवाजे मांगने आए हो, मैं नहीं दूंगा। महावीर स्वयं खड़े हैं और गौतम मांग रहा है, इससे बड़ा उदाहरण आपके लिए क्या हो सकता है जो मैं तुम्हारे पास में है। भगवान यही कहते तुम मांगो मत, तुम्हारे पास है वही तुम लो। तो बस फिर एक दिन गौतम चल जाता है, हम भी जगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन जैसे गौतम चल गए, इसी तरह से हम भी जगने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम ने भी महावीर से मांगा, तुम सारी दुनिया को देते हो, मैं ही लूं। तो महावीर ने कहा कि मैं नहीं किसी को देता, मैं अगर देता तो सारी दुनिया को देता, तुमको क्यों देता, दे सकता तो सबको दे देते, नहीं देने से कुछ मिलता नहीं, किसी को नहीं मिलता। बस ये इसी के लिए है कि जब हम मांगते तो कहते तुम्हारे पास है, तुम पहुँचो। तो वो हमको अंदर हमें पता है, जब भी प्रार्थना भी की जाती है तो पता है उसके भीतर में ही जगना है।